एक साथ है, दोनों मेरे सामने हैं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दोनों को एक साथ दबोच के पूरा रत्न हासिल कर लूं, क्या करूं? एक मिनट, दी क्या कर रही है? चल ना पागल है क्या, चल निकल यहाँ से। मुझे देखना इस चेहरे के पीछे कौन है जो मुझे मारना चाहता है। ना ये तो मैं उन्हें नहीं दूंगी, ना चेहरा उठेगा और ना चेहरा दिखेगा। पर ये मैं डिसाइड कर पा रही हूँ कि इन दोनों को अभी मार दूं या सही समय आने का इंतजार करूं। शेरगिल को देखा है कहीं? वो दिखाई नहीं दे रही। राशिद थैंक गॉड तुम आ गए, पता है नहीं तो जान ही निकल गई थी। मैं इतना डर गई थी, मुझे ऐसे लगा मैं अभी मर जाऊंगी। थैंक गॉड। मेरी पत्नी कहाँ है? मैं अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हूँ, मिसेस शेरगिल। देखा है तुमने, वो यहाँ टेरेस पे आई थी। तुम दोनों में से किसी ने भी देखा हो उसको? ओ गॉड, हमने नहीं देखा उसको। पर रक्षित तुम्हें पता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मैं पता ही नहीं। रक्षित दीदी, मैं कुछ नहीं जानती, तुझे यहाँ से चलना पड़ेगा। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, जो तुझसे एक मिनट बचाना। दृष्टि दी जिंद मिला जा जिंद माहिया, वक्त कितना गुजर गया, दर्द अब तक ठहरा है, वो मेले वो झूले यादों का पहरा है, हर पहर ढूंढिया हर नजर ढूंढिया, शिवा ने मत्था टेका चन विच तेनु देखा, एक एक राह करो का एक एक राह से पूछा, मैं तेनु याद करा अब तो आके मिल जा, अखा रसता देखे अब तो आके मिल जा। तुम्हारा दुपट्टा? तुम? हाँ मैं। ये दुपट्टा भी मेरा है और तुम भी मेरी। हाथ न छूटे कदी ओ सुन तेरा साथ न छूटे कदी, एक दूजे में दोनों की जान, पूरन
तमाशे की रात कयामत की रात होगी। होनी अनहोनी जो भी होगी पूरे चांद की आधी रात को होगी। जो खो गए वो मिल जाएंगे, उसी चांदनी रात को मिलेंगे। देखा माँ, आपने जो कहा था वही हुआ। जो खो गए वो मिल जाएंगे, पूरी चांद की आधी रात को मिलेंगे और हमें मिल जाएंगे। सारे बोलो ये माता जी। बिच्छू कहीं का वाह वाह, आज तो कितना मजा आ गया ना। चल मजे की पुड़िया रख साइड में। याद है तुझे आज सुबह मैंने तुझसे क्या कहा था? हाँ इडियट बोला था ना, और बेजहर बेढंग का बिच्छू भी तो बोला था। वो नहीं मूर्ख, चोर भी तो कहा था। हाँ छोटू भी तो कहा था, पहले छोटू बना दिया फिर प्रीतो बना दिया। उफ बेकारा नकारा कीड़ा मकोड़ा बिच्छू कहीं का, जानवर का जानवर ही रहेगा। चल हट। अरे मैंने तो ये कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आज तो मैं उस दूसरी वाली जादूगरनी को ढूंढ के ही रहूंगी। अच्छा अच्छा वो, अब फिर से तुम मुझे वही घिसा पिटा लेक्चर सुनाओगी। मैं सही तू गलत, उस छोटी वाली की बड़ी वाली बहन, वो मिस या मिसेस चुईया पीए है। एक बार वो मुझे मिल जाए ना, फिर दोनों को कुचल मसल निकल कर ना अपना तीसरा रत्न हासिल कर लूंगी और फिर बन जाऊंगी त्रिरत्न पिशाचनी। हार और वार से सख्त नफरत है मुझे, इसलिए मुंह बंद है और मुझे जल्दी जल्दी बोल लेने दे। तू सही और मैं गलत थी। उस छोटी वाली की बड़ी बहन वो चूहिया पिए नहीं, लावण्या है। पागल हूँ क्या जो तेरा मुंह खोल दूं मैं और तू अपनी जीत का जंका बजाए। मैं सही। अरे ये तो संजोग का घड़ा फूटा है जिसका चेहरा तू अपने सिर बांधने तैयार बैठा है। देखा मैं सही था। मेरा कभी कभी किस्मत बुलंद हो जाती है और पर उन दोनों की किस्मत तो बहुत ही फूटी हुई है। कब का मुहूर्त है, कैसे मारोगी, कब मारोगी, क्या सोचा तुमने? लटका के या जला के या फिर या डुबा के? अरे नहीं नहीं डर मत, अभी तो मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। अगली अमावस का इंतजार करना पड़ेगा मुझे। आने दे अमावस, अमावस की काली रात में काल बरसाऊंगी, हवन आहुति देके उन्हें जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाऊंगी और फिर काल विजय रत्न पूरा का पूरा मेरा। पक्का मैं से पिशाचनी नहीं, मैं बन जाऊंगी त्रित्रे पिशाचनी, तीनों रत्नों की शक्ति वाली सबसे शक्तिशाली त्रिरत्न पिशाचनी। मिल गई, वर्षों से जिन दोनों की तलाश थी आखिर वो दोनों मुझे मिल ही गए, एक दिव्या और दूसरी लावण्या। जाओ मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी, गो। मैंने रक्षत से शादी की इसीलिए, देखती हुई वो सब मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैंने वो। आपको क्या लगता है मैं उस शादी की वजह से आपसे गुस्सा होंगी? अरे मुझे इस बात का गुस्सा है कि हम एक ही छत के नीचे एक ही घर में एक ही बेडरूम में एक ही रूम में अकेले रहते थे, इतने सारे मौके मिले थे हम लोगों को, आपने फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? देवी पहले तो मैं खुद ये बात नहीं जानती थी, लेकिन जब पता चला तब क्यों नहीं बताया मुझे? कब पता चला बोलो मुझे, कब पता चला? जब भी पता चला आपने उसी वक्त उसी टाइम उसी जगह मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरी बहन हो? अब ये मत बोलना कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ ठीक है मैं ज्यादा बोलती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे दो थप्पड़ मार के मुझे बता दो सकते थे कि मैं आपकी बहन हूँ? आप मुझे एक मिनट बड़ी क्यों नहीं बोल रही? तो मुझे बोलने ही कहा देती है, फिर बोलती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन जब तेरे पास बोलने के लिए आई तब तक तू मुझे शट अप गेट आउट गेट लॉस्ट कर देती है। अभी भी नहीं बोलने दे रही है। तुम बचपन की तरह डांट दबा के मुझे बोल सकती थी ना, क्यों नहीं बोला वैसे? क्या करती, अभी कुछ देर पहले तुझे बताया तो था, क्या किया तूने? मुझे टेरेस से नीचे ही फेंक दिया पागल, जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं मेरे हाथ में कैसे जादू आ गया और फिर I'm sorry थी। देवी I'm sorry थी।
हूँ, मैं जानती हूँ तूने ये सब नहीं किया और जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं किया, गलती से जादू हो गया। इट्स ओके, हो जाता है, शांत हो जा। दीदी मेरी बात सुन। इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने इस घर में उस एक आंख वाली औरत को देखा है। मैं जानती हूँ, जिस रात तुमने उसे देखा था मैं भी थी वहाँ टेरेस पर, और वो एक आंख वाली औरत इसी घर में रहती है जिसने हमारी मम्मा पापा को मारा था। इसलिए भगवान ने हम लोग को इसी घर में साथ में भेजा ताकि हम उसका साथ में मिलकर सामना कर सके, उसे हरा सके, उसे उसकी किए की सजा दे सके। नहीं ताई जी, मैं जो बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ला तुम सोच भी रही हो, तुम क्या बोल रही हो, मतलब तुम टेरेस पे थी? हाँ मैं टेरेस पे थी और वहाँ पर मैंने एक दूल्हा देखा और उसके हाथ में एक खंजर भी था। दूल्हा मतलब कौन? हाँ जी बताओ, घर के तीनों लड़के दूल्हे बने हुए थे, कौन सा वाला दूल्हा? OMG, oh my god, सनी, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तीन तीन दूल्हे हैं पर वो तुम नहीं थे, सो प्लीज ये फालतू की बातें मत करो। हाँ वहाँ पर जो दूल्हा था ना वो सिर्फ डी पर अटैक कर रहा था। हाँ वो तो अच्छा हुआ कि मैं राइट टाइम पर आ गई और मैंने डी को मरने से बचा लिया। मैं उसके सामने एकदम दीवार बनकर खड़ी हो गई और मैंने उस दूल्हे से फाइट किया और उस पर खरोंच भी नहीं आने थी। तुमने उससे फाइट की और तुम्हें खरोंच भी नहीं आई और दूल्हा कहाँ गया? वो दूल्हा तो गायब हो गया ना है? हाँ वही, वो दूल्हा गायब हो गया, जैसे कोई जादू नहीं हो गया होता वैसे। और फिर डी ने बोला भी कि थैंक गॉड वन तुम आ गई और तुमने मुझे मरने से बचा लिया, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट देवरानी एंड ऑल। डार्लिंग ये सोच नहीं कर क्या रही है? अरे हमारे घर में आके जगराते कर रही है और क्या कर रही है? इसका मतलब दिव्या और दुष्चिदी दोनों पे यहाँ खतरा मंडरा रहा है। और फिर क्या हुआ? फिर क्या, थैंक्स टू गॉड कि मुझे इतनी हिम्मत दे दी, वरना मैं तो एक चींटी भी नहीं मार पाती। ओले, और आज एक दूल्हा मार दिया, सो स्वीट। बेबी बेबी तुम कितनी हिम्मत वाली हो। भाभी इस पगलेट का क्या करूं? नहीं दीदी, हमें ऐसे ही करना होगा। इससे पहले कि सबको हम पर शक हो जाए कि हम दोनों वहां से गायब है, हमें घर वापस जाना होगा। और हाँ, हम किसी को नहीं बता सकते कि हम दोनों बहनें हैं। वो एक आंख वाली औरत इसी घर में रहती है दीदी, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों बहनें हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और हम ये नहीं कर सकते। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। क्या हो गया, अब इतना उदास क्यों हो रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब तुझे मुझे दी नहीं बुलाना पड़ेगा, अब तू मुझे पहले की तरह डांट फट कर सकती है। हाँ शट अप गेट आउट गेट लॉस भी कर सकती है। वो तो मैं गुस्से में बोलती हूँ, पर आप भी कुछ कम नहीं हुआ, मुझे मस्त पलट के जवाब देती हो। एक बार इतने जोर से चिल्ला दिया था मैं खुद 2 मिनट डर गई थी। गुड, बड़ी बहन से डरना जरूरी है। चल अब अंदर चल और हंस मत। अरे आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं बोल रही हूँ ना कि वहाँ पर दूल्हे के कपड़ों में कोई था, वो दूल्हे के कपड़े बिल्कुल शिखर के जैसे थे। हाँ इसका मतलब कि शिखर? क्या क्या बोल रही हो तुम? लावण्या प्लीज स्टॉप इट, ओके? कुछ नहीं बोल रही है, पागलपंती बंद कर। उसे खंजर लगा था, वो दूसरे को खंजर क्यों मारेगा? मुझे लगता है दूल्हे के कपड़ों में कोई और था या फिर तुम्हारी आंखों ने कुछ और ही देखा। नहीं नहीं मम्मी जी, दूल्हे के वही कपड़े थे जो शिखर के थे। बेचा जी, दूल्हे के कपड़े तो रक्षित ने भी पहने थे, क्यों भाभी जी? वो रक्षित नहीं था, ये देखिए डी भी आ गई, आप उसी से पूछिए। बताओ मुझसे क्या पूछना है, मैं तो शिखर को देखने गई थी। हाँ पर उससे पहले तुम टेरेस पे गई थी और शिखर ने तुम्हें छुरी से मारने की कोशिश की थी, बताओ। व्हाट, क्या बकवास कर रही हो? शिखर मेरा पति है, वो मुझे क्यों मारेगा? उसको खुद किसी ने खंजर कोपा है। तुम ना फिर वही बहकी बहकी बातें कर रही हो जो रक्षित की शादी के टाइम पे करी थी, टोटल बकवास। आउच। दिवी पे जिसने भी सहरे में मुंह छुपा के छुरे से अटैक किया, अगर वो यहीं इन्हीं लोगों में मौजूद है तो उसके चेहरे से साफ साफ पता चल जाएगा। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, ओके? मुझे सब पता है, शादी पे तुमने कब कहाँ क्या प्लान किया था, सब पता है, सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी, राइट? ये तो सच में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। रात को देर तक जागने से ना दिमाग सो जाता है, दिमाग में चक्कू छुरियां चलने लगती हैं। शादी की रात भी तुम सोई नहीं थी है ना, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, आज फिर बड़बड़ा रही हो। ये जग रहा था ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, दूल्हे के हाथ में खंजर था, आप मेरा यकीन कीजिए ना। हाँ 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 आपको देखा देखा, दूल्हे के हाथ में खंजर था, वो डी को मारने वाला था, तुमने डी को बचा लिया और कितनी हिम्मत दिखाई, मेरी हिम्मत वाली बहू, वाह। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। बहुत हिम्मत वाला काम किया तुमने।
मॉम। क्या हुआ? आपने उसे देखा? किसे? अब तेरी पत्नी को? हाँ मॉम, वो काफी देर से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जगराते में हमने एक साथ आरती की, उसके बाद से वो मुझे नजर नहीं आई। आपने कहीं? क्यों, थोड़ी देर पहले तो हमारे साथ ही थी। उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगा कि उसे फिक्र हो रही है तो उसे ढूंढ रहा। मॉम ऐसा नहीं है। बस रक्षित, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना। फिक्र तो मैंने ओजस्विनी की देखी, अपनी बहू लवण्या को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर। और तेरी पत्नी, उसे ना तो किसी की परवाह है और न ही किसी की जिम्मेदारी। सच तो ये है कि वो मेरी बहू बनने के लायक ही नहीं। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। जब आप खुश नहीं थे तब वो। बस रक्षित, अभी अभी मैंने उसके बारे में जो कुछ भी कहा ना, उसके लिए मुझे ना तो कोई सफाई देने की जरूरत है ना ही कुछ समझाने की, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी समझाने का कोई भी मतलब नहीं है। वो दूल्हे का कपड़ा छुरा लेकर तुझ पर अटैक, ये मैंने पहले भी देखा था। जब तेरी शादी रक्षित सौ से होने वाली थी, तुझे तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा रक्षित सौ तुझे मार देंगे, इसीलिए मैंने बबू का मतलब मंडप पे वो दूल्हा दुल्हन का अदला बदली आपने इसीलिए किया था। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आज भी तो मेरे साथ वो ही होने वाला था। दिव्य, यही तो पहेली है कि क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उस शादी के उस पहली रात, उस दिन भी मुझे यही दिखा था, वही दूल्हे के कपड़े छुरा उसके हाथ में, वो तुझ पे अटैक। यही देखने के लिए मैं तेरे कमरे में भी आई थी कि तू ठीक है या नहीं, पर वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तू बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, वो ठीक रहेगी, मैं हूं ना। आज रात मैंने फिर वही देखा, वही दूल्हे के कपड़े हाथ में छुरा, वो तुझ पे अटैक करने आ रहा है। इसका मतलब लावण्या जो भी बोल रही थी वो सही बोल रही थी, वो गलत नहीं बोल रही थी। शिखर तुझे मारना चाहता है। नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं है। शिखर मुझे नहीं मारना चाहता। वो तो मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करता है। मैं पूरा दिन उसको क्या क्या बोलती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरह बात करता है। वो नहीं हो सकता। दिव्य, मीठी मीठी बातें करके दिल जीता जाता है, यही कर रहा है वो। तेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए फिक्र देखी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दी। क्या? दूल्हे के ड्रेस में जिसने मुझे अटैक किया था उसने वही लॉकेट पहना था। आपको पता है ना कौन सा वाला लॉकेट? हाँ, वो दो पेंडेंट वाला। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये वही एक आंख वाली औरत है। सबको लगता है कि लावण्या पागल है, लेकिन वो कोई पागल वागल नहीं है। उसने शादी के वाले रात वही देखा था, एक आंख वाली औरत, लाल लाल रोशनी। दी, हम दोनों जानते हैं वो औरत कौन है। हम दोनों उस लॉकेट को जानते हैं, वो किसका है, कौन पहनता है। वही जिसने हमारी मम्मा को मारा था। हमारी मम्मा को और हमारे पापा को। हमारी शक्तियों के बारे में पता है। इनफैक्ट वो जिस तरह तुझे बार बार निशाना बना रही है ना, इससे एक बात साफ पता चलती है कि वो जानती है कि हम दोनों में से एक बहन तू है और तेरे पास शक्तियाँ हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह वो खुलेआम इस घर में घूम रही है तुझ पर अटैक करने के लिए, उसका इस घर में किसी से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। हो सकता है, लेकिन उस शिखर से नहीं है। तेरी दिमाग से काम ले। नीचे जब चकराता चल रहा था तो पूरी फैमिली वहां पर थी, लेकिन शिखर गायब था। जब तुझ पर अटैक हो रहा था तो शिखर कहाँ गया था? है कोई जवाब तेरे पास? बोल। दी, दी, देख,
उसके पेट में चोट लगी है, इतना खून बहा है, ऑलमोस्ट बेहोश था, वो नहीं हो सकता है। पेट में चोट लगी है, खून बह रहा है, बेहोश है, फिर भी कहाँ गायब है? है कोई जवाब? चलो ढूंढते उसको, चलो। अरे पर दीवी मेरी बात तो सुन। चलो चलो टाइम नहीं है। दीवी चलो। दी तो सुनती क्यों नहीं है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।